वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फ्राहम करता है। यही वजह है इससे बेहतर और फायदा मंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैसिलिटेटर प्लस। ये एक टाइमर है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री के साथ साथ घर में भी कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। इसके अंदर फोर स्विचिंग सेट है, इसके आप देख सकते हैं। ये देख ले, 1 स्विचिंग सेट, 2 स्विचिंग सेट, 3 स्विचिंग सेट, 4 स्विचिंग सेट, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो इसका 9 नंबर टर्मिनल है ये कॉमन पॉइंट का है, और ये जो सा 1 नंबर टर्मिनल है ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, और ये जो सा है 5 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है। ये 10 नंबर टर्मिनल कॉमन पॉइंट का है, 2 नंबर टर्मिनल नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, और ये 6 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है। 11 नंबर टर्मिनल कॉमन पॉइंट का है, 3 नंबर टर्मिनल नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, और ये जो 7 नंबर टर्मिनल है ये है नॉर्मली ओपन पॉइंट का। 12 नंबर टर्मिनल कॉमन का है, 4 नंबर टर्मिनल नॉर्मली क्लोज पॉइंट का, और ये जो 8 नंबर टर्मिनल है नॉर्मली ओपन पॉइंट का है। 13 और 14 नंबर पर हमें पावर सप्लाई की इनपुट देनी है, और ये 13 नंबर पर फेज लगता है और 14 नंबर पर न्यूट्रल। और ये देख ले, सोर्स भी लिखा हुआ है, सोर्स एसी 220 वोल्ट, यानी ये 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होती है, और हम इस पे मैक्सिमम लोड 3 एम्पीयर का दे सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट में लिखा भी हुआ है 3 एम्पीयर। अब मैं बताता हूँ कि काम कैसे करेगी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ। ये इस टाइमर की बेस है, ये जो सी आपको कैमरे में नजर आ रही होगी, जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग के ऊपर दिखाया था नंबरिंग, उसी तरह इसके ऊपर भी नंबरिंग लिखी हुई है। इसके ऊपर नंबरिंग लिखी है, अगर आपको नजर आ रही हो ये देख सकते हैं आप। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें। ये देख ले, सबसे पहले हमने एक पावर सप्लाई लिया है, ये आपको नजर आ रही होगी कैमरे में। ये हमने एक पावर सप्लाई केबल ली है, इसकी जो थी न्यूट्रल थी वो हमने 14 नंबर टर्मिनल पे दे दी है, और जो थी फेज थी वो 13 नंबर टर्मिनल पे। ये तो हमने दे दी पावर सप्लाई की इनपुट। अब मैं बताता हूँ इसके आउटपुट पे कैसे लोड देंगे, तो चलिए बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने लोड देने के लिए क्या किया, जो बल्ब है ये हमने इसके ऊपर एक लोड लगा दिया है। अब लोड की वायरिंग हमने कैसे की है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने लोड की न्यूट्रल ड्रग दे दी है, और जो सी इसकी फेज निकल रही थी वो हमने नॉर्मली ओपन पॉइंट पे दे दी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन अभी भी ये ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि हमने इसकी कॉमन पॉइंट में फेज ही नहीं दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये आपको रेड वायर नज़र आ रही होगी, ये हमने फेज से लेकर टू नंबर कॉमन के स्विच पे दे दी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी वायरिंग हमने कैसे की। अब मैं अपने टाइमर को प्लग इन करता हूँ। मैक्सिमम टाइम इसका 60 सेकंड्स है, मैं इसे 10 सेकंड्स सेट कर लेता हूँ। ये मेरा सेट हो गया। अब मैं इसको 220 वोल्ट इनपुट दे देता हूँ। हमने इस पावर सप्लाई केबल पे रेड मार्क कर दिया है ताकि पता लग जाए कि फेज की साइड है। अब मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ। ये देख ले, लाइट आ गई। आफ्टर 10 सेकंड बाद हमारा लोड ऑन हो जाएगा। ये देख ले, हमारा लोड ऑन हो गया। हमने इस बल्ब को एज अ लोड लगाया है, आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर 4 स्विचिंग पॉइंट्स है, तो आप हर स्विचिंग पॉइंट पे लोड लगा सकते हैं, लेकिन लोड मैक्सिमम 3 एम्पीयर का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसका फायदा घर में कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वापस जब वो आती है तो अक्सर वो स्टेबल नहीं होते, कम या ज़्यादा होते, जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस को ख़राब होने का खदशा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइमर को यूज़ करते हुए आप इस टाइमर पर एक टाइम सेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड। तो इससे क्या होगा, तो आप अपने डिवाइसेस की वायरिंग इसके साथ कर देंगे
तो होगा ये, जैसे ही लाइट आएगी 30 सेकंड तक हमारी कोई भी डिवाइस ऑन नहीं होगी, और 30 सेकंड तक, और जब हमारे वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे तो 13 सेकंड बाद हमारी डिवाइसेस खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ऐसा करने से हमारी डिवाइसेस भी सेफ रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। तो आप इस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुश मुतमाइन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सॉल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।